दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का एक राक्षस पुत्र भी था जिसका नाम अंधकासुर था। वामन पुराण के अनुसार एक बार शिव और पार्वती काशी गए थे, जहां भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी दौरान माता पार्वती पीछे से आई और भगवान शिव की दोनों आंखें बंद कर दी। जैसे ही शिव भगवान की आंखें बंद हुई, पूरे संसार में अंधेरा छा गया। संसार को इस अंधकार से बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिसकी गर्मी इतनी ज्यादा थी कि माता पार्वती को पसीना आया और उसी पसीने से एक बहुत ही रौद्र और डराने बच्चे का जन्म हुआ। और ठीक उसी समय हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस ने शिव आराधना करके उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा और भगवान शिव ने माता पार्वती के पसीने से जन्म बच्चे को ही हिरण्याक्ष को सौंप दिया। कुछ समय बाद देवी देवताओं की कठोर तपस्या करके अंधकासुर बहुत ही शक्तिशाली राक्षस बन गया और अपने अहंकार में आकर तीनों लोगों की सबसे सुंदर स्त्री से शादी करने की लालसा लेकर माता पार्वती के पास कैलाश पहुंचा और बिना ये जाने कि माता पार्वती उसकी माँ है, उन्हें जबरदस्ती ले जाने की प्रयत्न करने लगा। तभी भगवान शंकर के रौद्र रूप वीरभद्र ने उसका वध कर दिया और सृष्टि से एक महापापी का नाश हो गया।